वीडियो में हम लोग ऑयल प्रेशर सिंबल के बारे में बात करेंगे कि सिंबल हमारे कार में क्यों आता है और अगर ये सिंबल आ जाए तो आपको क्यों ड्राइव नहीं करना चाहिए और वो कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें लाइट ऑन होने के बावजूद भी आप ड्राइव कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। जैसे हम गाड़ी के इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा सारा लाइट, डायनेमो का लाइट, चेक इंजन लाइट और ऑयल प्रेशर लाइट, ABS का लाइट, सारा लाइट ऑन हो जाता है और गाड़ी के स्टार्ट होती है सारा लाइट बंद होना चाहिए। अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी ये ऑयल प्रेशर का सिंबल ऑन रहता है आपके डैशबोर्ड में तो आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब गाड़ी आइडल कंडीशन में रहता है उस वक्त हमारा ऑयल प्रेशर 30 PSI रहता है और जब गाड़ी हायर स्पीड में होता है उस वक्त हमारा इंजन ऑयल का प्रेशर 60 PSI तक चला जाता है। दोस्तों, किसी भी कारण से अगर इंजन ऑयल का लेवल नीचे चला जाता है तो इंजन ऑयल का जो प्रेशर होता है आइडल कंडीशन में 30 PSI और जब गाड़ी हायर स्पीड में होता है तो 60 PSI। ये प्रेशर भी इंजन ऑयल के कम होने से काफ़ी कम हो जाता है और जब ऑयल प्रेशर काफ़ी कम रहता है तो ऑयल प्रेशर के कम होने से हमारा इंजन ऑयल इंजन के सारे पार्ट्स तक नहीं पहुँच पाता है और जहाँ जहाँ तक हमारा इंजन ऑयल नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर हमारा फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंजन ऑयल इंजन के जिस पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है वहां पे हमारा घसाव होना स्टार्ट हो जाता है और घसाव की वजह से हमारा वो पार्ट डैमेज हो सकता है। अगर आप इस सिंबल को इग्नोर करते हुए अपने गाड़ी को काफ़ी देरी तक चला लेते हैं तो आपके गाड़ी के इंजन का सीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी आपका गाड़ी में ये सिंबल ऑन हो जाए तो आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे ये कि अगर ये सिंबल अगर येलो कलर का आता है उस वक्त हमें क्या करना है। ये सिंबल भी उसी वक्त आता है जब हमारा इंजन ऑयल का लेवल कम जाता है। अगर आप रास्ता में और आपके गाड़ी के डैशबोर्ड में ये सिंबल आ जाता है उस वक्त आप अपने गाड़ी को ड्राइव करके गैरेज ले जा सकते हैं। लेकिन अगर यही सिंबल रेड कलर का आता है तो आपको गाड़ी को वहीं पे कर देना है बंद और अपने गाड़ी को टो करके वर्कशॉप में लेके जाना है, क्योंकि अगर आप इस सिंबल को इग्नोर करते हुए गाड़ी को थोड़ी देर चला लेते तो आपका इंजन के अंदर काफ़ी घसा होगा और घसाव की वजह से इंजन का इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।